मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी पर पुरजोश। उनका कहना है कि लिख कर दे सकता हूं, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। उन्होंने पार्टी टिकट होल्डर्स के साथ ऑनलाइन अजलास में गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो 21 अक्टूबर को 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद अपनी वतन वापसी के हवाले से पुरजोश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी और राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं और पार्टी टिकट होल्डर्स की बड़ी तादाद ने इजलास में शिरकत की। नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। शुरका ने उनके साथ अजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। 2017 की फौजी और अदालती इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम को मालूम होना चाहिए कि उनके मसाइल और मुश्किलात के असल मुजरम कौन हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से की गई अपनी जज्बाती तकरीर में कहा कि जिस शख्स ने मुल्क को बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई, उसे 4 जजों ने घर भेज दिया। उन्होंने मजीद कहा कि उनको निकाले जाने के पीछे साबिक आर्मी चीफ और साबिक ISI चीफ थे। उन्होंने कहा उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साबिक आर्मी चीफ और साबिक सरबराह ISI के आलाकार थे। उनका जुर्म कत्ल से बड़ा है, उन्हें माफ़ करना कौम के साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो माफ़ी के मुस्तहक नहीं हैं, हम उनका एहतसाब करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून ने अज़्म ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान के अवाम पर मुआशी बदहाली मुसलत करने वाले उन करदारों को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल 2022 में तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के ज़रिए PTI रहनुमा इमरान खान को घर भेजने के बाद 16 माह की हुकूमत संभालने के मुस्लिम लीग नून के फैसले का दफा करते हुए नवाज शरीफ ने दावा किया कि अगर PDM हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाती तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। नवाज शरीफ ने दावा किया कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपना सियासी सरमाया खतरे में डाल दिया। असल में हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कीमत अदा की। ताहम मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इंतखाबात में हम ही जीतेंगे। गुज़श्ता इजलासों की तरह पीर के इजलास में भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने शुरा से कहा कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल करें। पार्टी ने उनकी वतन वापसी से मुतल्लिक़ मामलात के लिए मरकज़ी सहूलतकारी कंट्रोल सेंटर भी कायम कर दिया। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर को आवाम बड़ी तादाद में आएंगे और नवाज शरीफ की नाअहली और करप्शन केसेस में सजा देने के पीछे मौजूद किरदारों को दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा हम मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ महंगाई, बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को काबू करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 में इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि आवाम को सवाल करना चाहिए कि पाकिस्तान को तरक्की करता देखकर कौन खुश नहीं था। एहसन इकबाल ने भी आवाम से अपील की कि वो इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़े मैंडेट दें ताकि उनकी जमात मुल्क को बहरानों से निकाल सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाकाम नहीं हुई बल्कि उसे नाकाम किया गया है। उन्होंने कहा कि नवाज हुकूमत को घर ना भेजा जाता तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना की जाती तो पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर ना होता। शहजाद फरामोश, हरीफ डिजिटल।